जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हर रोज हमारी कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से की जाए, किसी पॉजिटिव खबर से दिन की शुरुआत की जाए। लेकिन आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो न सिर्फ आपको भी अंदर तक दुख पहुंचाने वाली है, बल्कि यह खबर सुनने के बाद आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है, माँ भारती के लाल देश के असली हीरोज के साथ शनिवार शाम लद्दाख में एक अनहोनी हो गई, बड़ी घटना हो गई। सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें हमारे नौजवान वीरगति को प्राप्त हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गैरासन क्यारी शहर की तरफ जा रहे थे। यह हादसा क्यारी शहर से महज 7 किमी दूरी पर हुआ है। देर शाम तक मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी रहा, यह जानकारी रक्षा सूत्रों से है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा 6:30 बजे के आसपास हुआ। घायल जवानों को नजदीक अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि काफिले में सेना के ट्रक के साथ एम्बुलेंस SUV भी शामिल थे। तीनों वाहनों में कुल मिलाकर 34 जवान शामिल थे। इस गश्ती दल में चल रहा ट्रक तभी अचानक से खाई में गिर गया जिसमें 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 7 जवानों की जान चली गई। दोस्तों जवानों के बलिदान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि हम जवानों की देश के प्रति अनुकरणीय सेवा को कभी भुला नहीं पाएंगे। मेरी शोक संवेदनाएं उन जवानों के परिवारों के साथ में हैं जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, अपना लाल खोया है। घायल कर्मियों को फील्ड अस्पताल में ले जाया गया है, उनका उपचार चल रहा है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना देशवासी कर रहे हैं। दोस्तों ये घटना हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली है। तभी तो कहते हैं कि हमारे सैनिकों का मुकाबला कभी किसी से नहीं किया जा सकता। वो हर पल अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। उन्हें क्या पता था कि शनिवार की शाम उनके लिए आखिरी शाम होगी। जरा सोचकर देखिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिसका लाल देश पर बलिदान हो गया। दोस्तों उनके भी परिवार हैं, उनके भी माता पिता भाई बहन हैं, पत्नी और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। लेकिन उनके लिए नेशन फर्स्ट, परिवार सेकंड आता है। यानी सबसे पहले उनके लिए देश आता है और उसके बाद में परिवार आता है। सच में दोस्तों ये घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे भी अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। तो वहीं हमारे जवानों की शहादत पर हमें फख्र भी होता है। इस दुख की घड़ी में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उन वीर पुत्रों की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों पर जो यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हे ईश्वर उन परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। साथ ही इस हादसे में जो हमारे जवान घायल हुए हैं उन्हें जल्द ठीक करे, उन्हें ईश्वर जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।